देखिए व्हाइट पुलाव जला जला थोड़ा ही बचा हुआ है। ये बनाई भाजी, ये सब्जी है और देखो ये रोटी भी बनी है माशाल्लाह। ये रोटी इन्होंने बनाई है, ये डब्बे को भी हो जाएंगी बच्चों को लंच डब्बे में मेरे को। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समीरन ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब फैमिली में। तो आज तरु क्या करने वाले हो और क्या खाने में बनाया हो सुबह सुबह? अभी टाइम हुआ है 8:30 बज गया है मॉर्निंग में। ये 8:30 बजा, मेरा लंच भी बन गया, नाश्ता भी बन गया, रोटी भी बन गई और झाड़ू बर्तन सब हो गया। ये सो रहे थे और अफान का नाश्ता नहीं हुआ, वो क्या पी रहे छास पी रहे हैं, इसलिए रात में हम लाए थे छास अपने लिए, तो आधी पिए थे। तो तरु बोली कि आधी अफान के लिए रख दो, तो अफान के लिए हमने रख दिया था कि इनको छास पसंद है बहुत इसके लिए। और अभी देखिए सुनहरा तो होमवर्क कर रही है यहाँ पे। हाँ बैठो बैठ बैठ जाओ, एक मिनट जरा कुछ मैं पूछनी है। ये गांधी जयंती फॉल ऑन डेट कितने, मतलब गांधी जयंती कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर लिखना है। समारा के पेपर चल रहे हैं तो समारा बहुत अभी डिस्टर्ब, मतलब पढ़ाई का बहुत उसको जोर है दिमाग पे, तो उसका हेल्प करना पड़ता है क्योंकि मैं ट्यूशन में बैठती बच्चों को, मैं ट्यूशन देती हूँ। मेरा पुलाव जल रहा है। ठीक है, एक्चुअली कल जो है खाने में पुलाव बना था, वाइट पुलाव तरु बनाई थी। और अभी एक्चुअली क्या है, गाड़ी का सर मुझे थोड़ा सा क्लच का काम है वो करवाऊंगा, और क्लच टाइट है, क्लच सही है, क्लच में कोई कमी नहीं है। हाँ दिखाते हैं अभी आपको, देखिए व्हाइट पुलाव जला थोड़ा ही बचा हुआ है। ये बनाई भाजी, ये सब्जी है और देखो ये रोटी भी बनी है माशाल्लाह। ये रोटी इन्होंने बनाई है, ये डब्बे को भी हो जाएंगी बच्चों को लंच। डब्बे में मेरे को अफान फुग्गा फुग्गा रहे थे ये वाला। तो दोस्तों अभी हम निकलते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर काम पे निकलना है। तो आज क्लच का काम करवाना है गाड़ी का, तो यहाँ पे बैठेंगे इधर पे दस्तरखान लगाएंगे इधर, आ जाओ। और इनकी गाड़ी ना बहुत रोती है, इनको मैं बोलती हूँ दरगाह चलो लेके, मैं दरगाह जाती हूँ। एक बार नजर उतारते, पूरी गाड़ी धुल के नजर भी उतारते हैं और दरगाह भी बांधते हैं। एक बार जब हमारी फर्स्ट टाइम खुद की गाड़ी थी न्यू, तो मैं हाजी अली लेके गई थी उसको हार के नाम के, तो इतनी बरकत थी गाड़ी में। और अभी भी मैं बोलती हूँ चलो, तो ये माइंड ही नहीं करते मेरी बात को। अभी इनको कमेंट में बोलो कि नहीं दरगाह जाओ, अल्लाह हाफिज। तो देखिए दोस्तों नाश्ते में आज यही है, पुलाव व्हाइट पुलाव है और सूखी सब्जी, और ये उन्होंने हलवा बनाई थी कल वाला हलवा है, बस यही है। हमारा भी करने जा रहे हैं, देख लिए यहाँ पे बैठेंगे और अफान भी अभी आके बैठेंगे। तो रोटी नहीं खाऊंगा, मैं नहीं रोटी खाऊंगा, आप बच्चे खाएंगे। ठीक है ओके, आलू की सब्जी की सूखी खाएंगे। ठीक है ठीक है, ये आलू भाजी चाहिए, पुलाव चाहिए। दोस्तों देखिए नाश्ता हम लोग का आ गया है, व्हाइट पुलाव, चपाती, सूखी सब्जी और ये हलवा तरुजी बनाई थी, और ये सैलेड है। और समारा भी देखिए ब्रेकफास्ट कर रही है हमारे साथ, अब फान भी करेंगे। बेटा बेटा गुस्सा, अब फान तो मोबाइल फेंक दिया, आप लोग देखे थे हाथ मार दिए, गुस्सा आ गया इनको, क्यों आ गया? दोस्तों गाड़ी के पास आ गया हूँ और गाड़ी मैंने पार्किंग से निकाल के अभी ड्राइव कर रहा हूँ, और चलते हैं गैरेज, और गैरेज में जो क्लच है वो दिखवाते हैं चल के। और एक सेंसर भी ख़राब हो गया इस गाड़ी का, तो उसके लिए गाड़ी झटके लेती है, तो मैंने मिस्त्री से बात किया, तो मिस्त्री बोल रहे हैं कि लेकर आ जाओ गाड़ी, देखते हैं चल के क्या इशू है इसमें। दो चीज़ काम करवाना है, और एसी जो है वो दोपहर में कूलिंग कम करती है, जिस तरीके से अब इस टाइम पे कूलिंग हो रही है उस टाइम पे दोपहर में उतना कूलिंग नहीं होता है, तो वो भी खुलवा के चेक करवा लेते हैं। दोस्तों पार्किंग से गाड़ी निकाल के, और अभी मैं निकल गया हूँ बाहर, मैंने निकाल लिया है पार्किंग से और अभी निकल गए हैं, अपने ऑनलाइन करेंगे और ट्रिप करते हैं। आज लेट हो गया, 10 बज गए, जो कि मैं रोज़ाना कितने बजे करता था, वही कुछ 9:30 बजे तो मैं गाड़ी निकाल ही लेता था, आज लेट हो गया। तो गैरेज के पास आ गया हूँ और देखिए गैरेज में सब काम हो रहा है, इधर भी पेंट का काम हो रहा है। मुझे अभी सामने के राजकुमार को बुला के गाड़ी का क्लच खुलवाना है, और क्लच के बाद में देखते हैं और क्या है, वो सेंसर भी है, सेंसर का भी काम करवा लेंगे। ये दो काम तो मुझे बहुत जरूरी है, एसी का भी काम करवाना है, देखते हैं अगर एसी वाला ठीक ठाक पैसे लेता है तो वो भी करवा लेंगे साथ में। तो मॉर्निंग में 10 बजे आए थे और अभी 2 बजा हुआ है,
तो अब जो हमारी गाड़ी का नंबर आया हुआ है, तो अभी ये ख़राब हो गया था ये, तो इसको चेंज करवाना है और क्लच खुलवा के सही करवाना है, बस यही दो ही काम है। एसी का फिर बाद में बात कराए, एसी का बाद में चेक कराएंगे। तो नया सेंसर हमने डलवा दिया है, देख लीजिए पूरा न्यू हो गया है। अब जो प्रॉब्लम थी झटके की सॉल्व हो जाएगी। फाइनली गाड़ी रेडी हो गई है और अब आधे घंटे में हम निकल जाएंगे यहाँ से, फिर लॉगिन करेंगे, फिर गाड़ी चलाएंगे। तो सब कुछ सही हो गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस क्लच का था थोड़ा बहुत। तो क्लच अभी चेक करते हैं अपन, उसको W40 डाल के हमें साफ़ किया है। अगर नहीं लूज हुआ तो फिर 2-3 दिन के बाद क्लच भी नया डलवा देंगे। दोस्तों गाड़ी बनवा लिया है और गाड़ी अब पहले से बहुत अच्छी हो गई है, साइलेंट भी हो गई है, इंजन जो धड़ धड़ कर रहा था वो सब कुछ माशाल्लाह सही हो गया है। और अब मुझे उम्मीद है कि गाड़ी अच्छी रहेगी, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी बस जस्ट ऑनलाइन किया हूँ और ट्रिप करते हैं और कंटिन्यू चलाते हैं दोस्तों। और ब्लॉग एंड तक देखिएगा, ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों। और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि अभी मैं एनर्जी ड्रिंक लिया है रेड वाली, ये पियेंगे। और गाड़ी का क्लच का जो काम था वो तो हुआ नहीं है, बाकी जो सेंसर था वो सही करवा लिया है। और क्लच का काम मतलब W40 डाल के हमने सही किया था, लेकिन वो टाइट का टाइट ही है वो, मतलब मिस्त्री ने बोला है कि उसे खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद ही वो चीज़ सही होगा जो जाम है। तो बस वही, तो अभी ये पीते हैं और फिर निकलते हैं पवई की तरफ, वहाँ पे ट्रिप लेना है और बस यही, कुछ और नहीं। दोस्तों आज मैं पूरी रात ड्राइव करने वाला हूँ, क्योंकि कल संडे था, कल भी मैंने छुट्टी कर लिया था, क्योंकि गाड़ी का जो क्लच है वो ज़्यादा टाइट था ना इसके लिए, और छुट्टी कर लिया तो कल वाला जो है वो आज कवर करना पड़ेगा। और परसों मुझे जाना है सर के पास, सर का कॉल भी आया था, तो परसों शाम को उनके बच्चे अमेरिका से आए हुए हैं, तो उन्होंने ड्यूटी पे मुझे बुलाया है। दोस्तों मैं आ गया हूँ घर पे, और एक्चुअली तरू का कॉल आया 12:30 बजे, तो हम ये घर के पास ही थे तो हम आ गए, तो बोले आइसक्रीम भी लेके आना, फलूदा भी लेके आना। तो देखिए नहीं, फलूदा है और इनको अमेरिकन आइसक्रीम चाहिए थी, इनको बहुत पसंद है, तो इनको डाइट कर रही है, इनको अमेरिकन आइसक्रीम खानी है। लो ये फलूदा है, ये सिमी और अफान का, एक्चुअली तुम मत खाओ, एक बार कर दो। ये देख लीजिए कैसा है, ये लो आपकी फेवरेट आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम गल जाती थी फालूदा, सुबह बच्चे खा ले। हाँ तो ये अमेरिका से आए, अमेरिकन है आइसक्रीम। कौन बोला? वो वही बता रहा था, देखो अलग टेस्ट होगा है ना। और ये फालूदा है सिमी और उफान का। रात को 1 बजे हुआ है तो अभी खाना खाएंगे। ये देखिए खाना बना हुआ रेडी है इनका, इनकी नींद मैंने खराब कर दिया क्योंकि दरवाजा यही खोलती है ना, वो हमारा किराए का घर है ना, तो लॉक करेंगे तो खुलता है। इंशाल्लाह कभी खुद खाऊंगा तो मैं वो लॉक लगाऊंगी, जो कैसे दरवाजा मतलब दो चाबी रख सकते हो। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इनो आए तो ये खोलेंगे बाहर से, मैं अंदर से लॉक कर सकती, ये भी बाहर से खोल सकते। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को न्यू ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।